कैंचिलो काटी पेज नंबर 20 पेज नंबर 20 2020 मैथ्स टेक्स्ट बुक पेज नंबर 20 मैथ्स टेक्स्ट बुक पेज नंबर पेज नंबर 20 ओके लेकिन आपने जब का पढ़ा था तो ये करने को कहा था ओके देखो टुडे वी लर्न हैवियर और लाइटर पेज नंबर 20 इन योर मैथ्स टेक्स्ट बुक ओके देखो हमें यहाँ पे पिक्चर दिए हैं बुक में देखो सब विच ऑफ द टू थिंग्स पेज नंबर 20 विच ऑफ द टू थिंग्स विल मेक द सीसो गो डाउन लुक एट द एग्जाम्पल लुक एट द एग्जाम्पल चलो इसमें क्या करना है कि विच ऑफ द टू थिंग्स विल मेक द सीसो गो डाउन लुक एट द एग्जाम्पल तो देखो यहाँ पे दो पिक्चर दिए है आपको एक ग्रीन वाला है फ्रूट और एक ऑरेंज वाला है तो सीसू में कौन सा फ्रूट हम रखेंगे तो वो हैवी हो जाएगा फर्स्ट वाला कि सेकेंड वाला फर्स्ट यस फर्स्ट वाला हम रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा डाउन हो जाएगा डाउन हो जाएगा ना एक साइड से क्योंकि वो वाला फ्रूट हैवी है तो वो सीसू क्या हो जाएगा डाउन हो जाएगा तो आपको देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है उस पे आप जहां जो चीज रखने से सीसो डाउन हो जाता है वहां पे लाइन ड्रॉ करनी है तो उन्होंने क्या किया फर्स्ट वाले फ्रूट पे लाइन ड्रॉ की ये समझ में आया सबको ओके अभी देखो हम लोग नीचे वाली एक्सरसाइज करते हैं ठीक है नीचे वाली जो एक्सरसाइज है ना वो करते हैं हाँ देखो यस यस बोलो ओके चलो ड्रॉ अ लाइन टू मैच द हैवियर वन अभी इसमें जो चीज हैवियर है ना जो हैवियर है उस पे हमें टिक करना है जो चीज हैवियर है उस पे हमें टिक करना है नव्या सीट प्रॉपरली बेटा नव्या ओके चलो तो देखो आपको फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में दो पिक्चर दिए हैं एक पॉट है मतलब मटका है और दूसरी देखो बॉटल है तो वो दोनों में से हैवियर कौन सा है हैवियर मटका हाँ तो जो तो आपको लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है देखो मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे आपको करना है देखो अभी देखो बोर्ड पे देखो टीचर बताओ ओके ये मैंने बोर्ड पे जो ड्रॉ किया वो सबको दिखाई दे रहा है कंप्लीट यस मैंने yes, दो ओके मैंने yes. दो पिक्चर बनाए हैं और वहां पे मैंने शीशो बनाया है ठीक है तो यहाँ पे हमें क्या करना है जो हैवियर चीज है वो रखने से शीशो कहाँ पे ऐसे डाउन हो रहा है तो वहां पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो देखो कहाँ पे आएगा
मामा किटुन ले जा तो देखो मैंने कहा फिर लाइन ड्रॉ की जहां पे शीशो ऐसे डाउन हो रहा है वहां पे मटका आएगा ठीक है तो आपको आपकी बुक में लाइन ड्रॉ करनी है करो पेंसिल से लाइन ड्रॉ करो सब पेंसिल से देखो अरे यार ड्रॉ अ लाइन मैच द हैवियर वन जो हैवियर है वहां पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है मटका रखेंगे तो शीशु क्या हो जाएगा डाउन हो जाएगा तो वहां पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है ठीक है जैनिश का लाइन ड्रॉ करो बेटा तन्नो मैम बोला मैं मैम के कौन है काम ओके चलो सबने लाइन ड्रॉ की yes, तो अभी मैं सेकंड वाली एक्टिविटी करवाऊं yes, ओके वेरी गुड चलो मम्मी तो आकले बेस्ट है ये कसर कसर तो मार तो कि तुम मन रखना नहीं दे तो मन ठेक पेरी बाजू में रखो ओके देखो कि यहाँ पे आपको दो ग्लास दिए हैं और एक बड़ा वाला जग दिया है और सामने शीशो दिया है तो हमें हैवियर बताना है तो बोलो कौन सा पिक्चर ड्रॉ कर कौन सी लाइन पर ड्रॉ करेंगे हम लोग जग को किस साइड हमें लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे शीशो डाउन हो रहा है ओके ओके लाइन ड्रॉ करो चलो देखो तो जहां पे हैवियर बता रहा है वहां पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो शीशो जहां पे डाउन हो रहा है वहां पे लाइन ड्रॉ करो ओके कंप्लीट यस यस ओके नाउ नंबर सी नंबर सी ओके देखो यहाँ पे मम्मी ले जाना तो नंबर सी में क्या करना है हमें देखो एक जग दिया है और एक बकेट दी है तो हमें हैवियर बताना है ना तो हम किस साइड लाइन ड्रॉ करेंगे शीशो पे डाउन साइड की अप साइड डाउन साइड और क्या कौन से पिक्चर से ड्रॉ करेंगे बकेट से या जग से यस वेरी गुड तो सबको समझ में आया कि बकेट हैवी है और हमें हैवियर बताना है तो हम लोग बकेट से डाउन साइड लाइन ड्रॉ करेंगे ठीक है Thank you.
ओके ओके चलो एवरीवन, आप ये हमने जो एक्सरसाइज करवाई वो सबको समझ में आई? यस ओके। अभी देखो नीचे क्या करना है, नीचे की एक्सरसाइज में कलर द वन विच इज लाइटर। अभी देखो इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, एक छोटा बॉल टेनिस बॉल दिया है, एक फुटबॉल दिया है, एक स्कूल बैग, एक टेनिस बॉल है और एक फुटबॉल है, तो वो दोनों में से लाइटर कौन सा है? टेनिस बॉल लाइटर है कि फुटबॉल लाइटर है? टेनिस बॉल। ओके चलो टेनिस बॉल। ओके देखो, ओके तो देखो आपको ये होमवर्क में करना है, ठीक है, कि जो लाइटर चीज है उसमें आपको कलर फिलअप करना है। देखो बी में क्या दिया है, स्कूल बैग और ज्योमेट्री बॉक्स। तो स्कूल बैग है भी है कि लाइटर है कि ज्योमेट्री बॉक्स लाइटर? यस ज्योमेट्री बॉक्स लाइटर है कि स्कूल बैग लाइटर है? ओके वेरी गुड। तो आपको ज्योमेट्री बॉक्स पे कलर करना है, ठीक है, पर वो अभी नहीं करना है। ओके कौन सा कलर आएगा? पेज नंबर 21, लिसन टू मी केयरफुली। ओके देखो यहाँ पे छोटू मंकी एंड द कैरेट्स, ये स्टोरी दी है हमें, छोटू मंकी एंड द कैरेट्स, चिकी एंड मिकी, रैबिट्स थ्रो अ बैग। देखो यहाँ पे रैबिट के नेम दिए हैं, चिकी एंड मिकी, वो दो रैबिट है, उन्होंने एक बैग देखी, इट हैड कैरेट्स इन इट। वो बैग में क्या है, उसके पास जो बैग है उसमें क्या है? कैरेट्स। यस वेरी गुड, उसकी बैग में क्या है? कैरेट्स। तो देखो चिकी एंड मिकी स्टार्टेड फाइटिंग, उन लोगों ने क्या किया, फाइटिंग शुरू की चिकी और मिकी ने। कैरेट के लिए उन लोगों ने क्या किया है, फाइटिंग शुरू कर दी, और बैग तो एक ही है कैरेट की उनके पास, है ना। तो देखो आई विल टेक बिगर कैरेट्स, आई विल टेक बिगर कैरेट्स, उसने क्या किया, वो क्या बोला, मैं बड़ा वाला कैरेट ले लूंगा। No, I am bigger, so I will take bigger carrots. तो देखो वो क्या बोल रहा है, नहीं मैं बड़ा हूं तो मैं बड़ा वाला कैरेट लूंगा। ऐसे वो दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में फाइटिंग कर रहे हैं। छोटू मंकी came to help them. अभी देखो बीच में कौन आ गया, छोटू मंकी, वो हेल्प करने आ गया उन दोनों की। तो देखो अब वो मंकी आके क्या करता है वो देखते हैं हम लोग। वी वॉन्ट टू शेयर द कैरट्स इक्वली बिटवीन अस, वी वॉन्ट टू शेयर द कैरट्स इक्वली बिटवीन अस, बट सम कैरट्स आर बिग एंड सम स्मॉल, व्हाट डू वी डू। देखो मंकी क्या बता रहे, देखो हमारे पास बैग में थोड़े बड़े गाजर है और थोड़े बड़े कैरेट है, थोड़े छोटे कैरेट है, तो हम लोग इसे इक्वली कैसे आपके बीच में बांटे। तो अभी देखो मंकी क्या करता है वो देखते है, मंकी अब उन दोनों को समझाएगा, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मंकी ऐसे बोला। छोटू मंकी ब्रॉट समथिंग टू हेल्प देम। अभी देखो छोटू मंकी ने क्या किया, देखो वो कुछ लेके आया उनके लिए, है ना। टर्न योर पेज टर्न करो अपना। तो देखो Guess and tell what Chotu monkey used to help Chiki and Mickey. Draw a picture of it in the monkey's hand. तो देखो ये वाली स्टोरी में हमें क्या करना है, हमें सोचना है कि मंकी क्या लेके आया होगा उन दोनों को बराबर चीजें देने के लिए। तो वो जो लेके आया है ना चीज, उसकी पिक्चर हमें उसके हाथ में ड्रॉ करनी है। चलो सोचो मंकी क्या लेके आया होगा उन दोनों को बराबर कैरेट देने के लिए।
बैग क्या लेके आया होगा? बैग मैम बास्केट। अभी आंसर किसी को बोलना नहीं है, आंसर कोई नहीं बोलेगा। सोचो अभी, मैं 2 मिनट दे रही हूँ, आंसर कोई मत बोलना। देखो हमने ये वाली स्टोरी पहले सुनी हुई है, आपको शायद याद होगा, सुनी हुई है? नहीं, कहीं ना कहीं तो सुनी होगी। नहीं सुनी है ना? तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि अभी दोनों दो रैबिट को बराबर कैरेट देने के लिए वो मंकी अपने हाथ में क्या लेके आया होगा? वेरी गुड, यस वेट मशीन। मतलब हिंदी में क्या बोलोगे उसको? तो वेट मशीन लेके आया और वो उसके हाथ में हमें ड्रॉ करना है, ठीक है? वेट मशीन से क्या होगा, वो इक्वली कैरेट दोनों को दे पाएगा, है ना? दोनों को दे पाएगा ना? आपको समझ में? ऐसे दोनों साइड इक्वल इक्वल कैरेट करके वो दे पाएगा। तो सबको समझ में आएगी? ओके, तो होमवर्क में आज आपको मंकी के हैंड में ये वाला ड्रॉ करना है, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम।